हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और जिलेट की काउंसलिंग की नोटिस आ चुकी है एंड दैट्स अ वेरी 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 एक्साइटिंग थिंग। और जिलेट के काउंसलिंग में हम देख रहे हैं कि जो है दो राउंड्स होने वाले हैं, और ऐसा हमने बताया भी था लास्ट जिलेट के वीडियो पे कि काउंसलिंग में सिर्फ दो राउंड्स हो सकते हैं। दो राउंड हो रहा है, पर साथ में ये तो दुर्गा पूजा के साथ क्लैश हो रहा है, तो कॉलेजेस क्या खुली रहेंगी, हम किन किन दिन जा सकते हैं, पूरा क्वेश्चन कितने कितना फीस लगने वाला है, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है विवेक, मैं हूँ IIT खड़गपुर से, और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जेलेट के बारे में। इन डेप्थ किसी भी वीडियो पे आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि विवेक के पास होता है सब कुछ इन डेप्थ नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। साथ में दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं जेलेट के किसी भी बेहतरीन कॉलेज पे, स्क्रीन पे दिए बंगाली या फिर हिंदी नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप अभी के अभी एडमिशन करवा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है हम चीजों को क्या क्या देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है जेलेट में सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, तो ऑनलाइन में ये सारी चीजें होंगी। कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने का? 500 रुपए लगेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 500 रुपीज लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। आप स्क्रीन पे देखिए, फोन नंबर पे बात कर सकते हैं, ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। ध्यान रखें हमेशा, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट इज दी मोस्ट एक्सपेंसिव, और हम जो है ट्रस्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन ट्रस्ट अस। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, कि अगर आपने जेलेट में कोई भी नंबर लाया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर दोस्तों राउंड वन की काउंसलिंग, और राउंड टू में अपग्रेडेशन का जो भी आप अपग्रेड करेंगे वो मिलेगा, वो कैसे वर्क करता है चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे। वेकेंट सीट जो है दोस्तों, जो भी SC ST OBC के कैटेगरीज के वेकेंट सीट है, क्या वो दूसरे बच्चों को मिलते हैं? नहीं मिलते, वो उन्हीं के लिए रह जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं देखिए, पहले अगर आपने डिप्लोमा किया था तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिप्लोमा किया आपने फार्मेसी में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, BSc आपने किया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपने 12th पास करके फिर BSc किया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपके इसमें 12th के मैथमेटिक्स में नंबर होना कंपलसरी है, ठीक है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। पर तो कैसे करके आपका CGPA का कन्वर्शन होगा, देखिए अगर आपके कॉलेज ने कोई फॉर्मूला दिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपके कॉलेज ने फॉर्मूला नहीं दिया है तो आपको क्या है, जो भी आपको CGPA मिलेगा -0.75 होगा, मल्टीप्लाई विद 10 हो जाएगा। अगर सोचिए इसमें एग्जाम्पल में मेरे को 9 CGPA मिले हैं तो मेरे को मिलेंगे 8.25 CGPA, ठीक है, मैंने परसेंटेज 82.5%, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन, तो कैसे करके कैलकुलेट होते हैं, देखिए अगर कन्वर्ट करें 80% को तो आपका फुल मार्क्स 1000 में 800 के आसपास होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 800 मार्क्स में 640 होना चाहिए। तो ये सारी कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग कैसे होगा, देखिए चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी ऑर्डर पे सेट होती है। एग्जाम्पल में मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर तो मेरे पास कुछ ऐसा स्क्रीन है नहीं, तो भी मैं आपको अगर एग्जाम्पल पे दिखा सकूँ तो बहुत अच्छा होता। एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पर अपने नोट पैड पर दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पर हम मूव करते हैं, एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर सोचिए हम पहले जादवपुर में डालते हैं, फिर जादवपुर की हम CSE डालते हैं, फिर जादवपुर की IT डालते हैं, या फिर जादवपुर की हम एग्जाम्पल में ECE डालते हैं, या फिर उसके बाद हम लोग कैलकटा यूनिवर्सिटी में IT डालते हैं। सो वॉट इज हैपनिंग, सो अगर सोचिए इसमें जो कट ऑफ है वो है 2000, ओके एग्जाम्पल में, और CSE यहाँ की कट ऑफ है 3000, और IT की कट ऑफ यहाँ है 2100, और CSE की कट ऑफ है सोचिए 1000, तो क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पर जो है मेरा रैंक होगा, सोचो मेरा ही जो रैंक है, रैंक जो है मेरा रैंक है अराउंड 1200, तो मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी? 1200 है मेरी रैंक, तो मुझे कौन सी कॉलेज मिलनी चाहिए? सो दोस्तों गलती क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, गलती से आपको जादवपुर की ECE लग जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको तो 2000 रैंक था इसका, तो मुझे तो ये लगना चाहिए, नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे मूव करती है, जो भी नीचे होगा जो सबसे क्लोज होगा वो आपको लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से आपको जादवपुर की जो है इस तरीके से रैंकिंग भरनी चाहिए, जिससे जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में रैंकिंग जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हो, छोटा से बड़ा हो, सो दैट आपको आपके प्रोबेबल रैंक पे मिले, और 1200 रैंक में आपको ये वाली कॉलेज मिलनी चाहिए थी, ओके। तो मेरे ख्याल से जो है आपको और क्लैरिटी हुआ होगा कि मैंने आपको कैसे बताया चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अब आप चॉइस फिलिंग करके जब अपग्रेड करते हैं चॉइस, तब जो है अपग्रेड होकर आपको दूसरा चॉइस मिलता है सेकंड राउंड में। पर क्या सेकंड राउंड में जाने के लिए मुझे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, मुझे कॉलेज को विजिट करना पड़ेगा? तो दैट इज द आंसर इज यस, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि चॉइस लॉकिंग के बारे में
कैंडिडेट जो है अपने चॉइस को लॉक कर सकता है प्री अनाउंस डेट के पहले, नहीं तो ऑटोमेटिकली भी ये लॉक हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंडिडेट को हमेशा अपना सेव करना पड़ेगा चॉइस, और आप एक बार प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा अपने चॉइसेस को। राउंड वन के अलॉटमेंट के बाद हम देख सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड डेट मिलेगा जहां पर आपको जाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ध्यान रखें, कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। इसके बाद जो है सीट चेकिंग अलॉटमेंट होता है कि आप अपनी चीज को देखें, और सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। हर किसी को 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। 5,000 रुपए आपको सबमिट करने पड़ेंगे एक स्पेसिफाइड डेट पे। उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उस लेटर को जाकर आप जो है सबमिट करेंगे। बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखना पड़ेगा, देखिए जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर नहीं जाते हैं वेरिफिकेशन करवाने, आपको आने वाले सारे राउंड्स के लिए निकाल दिए जाएंगे और आप कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके कॉलेज ने कुछ गड़बड़ की तो आप WBJEE को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझ सकते। रिपोर्टिंग जो है वो इंस्टीट्यूट में आपको करवाना मैंडेटरी है। इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी वहां पर दे रखेंगे। कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी ले पेपर और पेन और इसको नोट करें या फिर एक स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपने अलॉट हुआ है वो एक लेना पड़ेगा। रैंक कार्ड आपको लेनी पड़ेगी। 10th का एडमिट कार्ड लगेगा या तो बर्थ सर्टिफिकेट में, दोनों में से कोई एक लगेगा। आपके पास एक डिप्लोमा, सारे मार्कशीट होना चाहिए BSc या फिर डिप्लोमा से, जो भी आप जहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद एक अलॉटमेंट में अलॉटमेंट ID मिलता है जो WBJEE के साइट पे ही आएगा जब चॉइस फिलिंग आएगी। अभी आपको नहीं मिलेगा, जब आपको अलॉटमेंट होगी तब आपको एक यूनिक ID मिलता है, तब आपको ये चीज लगेगी। वो जो है देख सकते हैं रिक्वायर्ड बाय द एडमिशन ऑफिसर। इसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आती है, मोबाइल नंबर हमेशा ध्यान से डालें। WB में जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स है उनका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है उनको सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। परफॉर्मेंस से आप बना सकते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। SC ST OBC OBC BE का सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान रखें इस बार जो है EWS कैटेगरी यहाँ पर एडेड नहीं दिख रही है हमें। इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी द फॉलोइंग आउटकम्स। देख सकते हैं कैंसिलेशन जो है ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी, अगर आपका जो है एलिजिबिलिटी ही कंसिडर नहीं हो रहा तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपको देखना पड़ेगा अपग्रेडेशन चॉइस पोस्ट वेरिफिकेशन। अगर आप यहाँ पर जो है येस अपग्रेडेशन डालते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, राउंड 2 में। और अगर आपका नंबर 1 चॉइस लग जाता है तो दोस्तों आपको काउंसिलिंग में वही चॉइस में वही एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखेंगे चॉइस फिलिंग का फर्स्ट अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट चॉइस लेने पड़ेगा। अगर सेकंड और उसके बाद है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। नो अपग्रेडेशन का मतलब होता है एडमिशन वहीं का वहीं ले लेंगे, और नहीं तो अपग्रेड करेंगे। यस अपग्रेडेशन, अगर इसके बाद जो है नो अपग्रेडेशन डिसीजन भी आएगा। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर इन डेप्थ और अच्छे से वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहते हैं, कि क्या फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड कौन कौन से मैं एक्सप्लेन करूँ, वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर नाउ 2 में अपग्रेडेशन होता है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स को जिनको पहला बार चॉइस मिला है उसको फिर से वेरिफिकेशन करवानी है, जिसको एक नया अपग्रेड चॉइस मिला वहां जाके एडमिशन ले लेना है, या फिर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसिलिंग से बाहर निकाल देंगे, और जो 5,000 रुपये आपने सबमिट किए थे वो आपको रिटर्न आ जाएंगे। उसके लिए आपको 90 दिन का टाइम लगेगा। ओके दैट्स ऑल इन दिस प्लेट। और देख सकते हैं फ्रेश अलॉटीज को वापस से जो है 5,000 रुपए देकर वापस से काम करना है, जो फ्रेश है मतलब जो लोग पहली पहली बार लगे। रिफंड कैसे होगा दोस्तों? रिफंड आपको इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली मिल जाता है, तो आप अगर कैंसिल करते हैं तो वो आपको कॉलेज देगी, कॉलेज से कैंसिल करते हैं तो, और अगर आपने एडमिशन ही नहीं करवाया तो 5,000 रुपए आपको रिटर्न आ जाएंगे। ओके यहाँ पर जो है सीट मैट्रिक्स कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर जो डिटेल ऑफ द सीट मैट्रिक्स अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस कैटेगरीज कैन बी फाउंड ऑन द काउंसलिंग पोर्टल। अब जो है ये जो है यहाँ पर अभी हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें नहीं देखने को मिल रहा है सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। बात करते हैं डेट्स की, चलिए डेट्स की बात करते हैं। डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं हम कि पहले पहले तो 3 तारीख को ये काउंसिलिंग स्टार्ट हो रही है, और 6 तारीख तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 6 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग इंक्लूडिंग चॉइस लॉकिंग आप 6 तारीख तक ही कर पाएंगे, चॉइस लॉकिंग ऑलरेडी 6 तारीख को हो जाएगी। इसके बाद राउंड 1 में आपको कौन सा सीट मिला है वो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा, दुर्गा पूजा के बीच ही बीच पता चलेगा आपको क्या मिला है। तो इसके बाद जो है आपको पेमेंट कैसा करना है, पेमेंट आपको 15 तारीख तक मिलेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो सब कॉलेज बंद है, तो ओवरऑल में अभी आपको सिर्फ पेमेंट करने के लिए इतना टाइम मिल रहा है, पर ऐसा नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। इसके बाद जो है आप जैसे ही आपका अपग्रेड हो जाएगा चॉइस, आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगा तो आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, सेकंड चॉइस मिलेगा तो आप जो है अपग्रेड करवा के राउंड 2 में भी जा सकते हैं जो 18 तारीख से लेकर 20 तारीख को होगा। ध्यान रखेंगे एक बार ही चॉइस फिल कर सकता है, दूसरी बार चॉइस फिलिंग नहीं होगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 17 तारीख को, और 20 तारीख तक आपको 18 से 20 में जाकर एडमिशन लेनी है, फीस भी पेमेंट करना है, और पहली पहली बार कॉलेज लगी है तो अभी 5,000 रुपए देकर कॉलेज जाकर एडमिशन लेना है। सो दोस्तों इस तरीके से होने वाला है इस तरीके का काउंसलिंग। मेरे ख्याल से जो है इस काउंसलिंग में
उन्होंने काफी ज्यादा मेजर मेजर चेंजेस किए हैं, और मेरे ख्याल से ये सारे चेंजेस उतने ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि वेलकमिंग है, बट ओवरऑल में अगर इतना लेट उन्होंने किया है, एनी हाउ दे आर ट्राइंग टू सरपास ऑल दिस बिकॉज मकआउट की रजिस्ट्रेशन होने वाली है जल्दी ही, और यहाँ पर जो है वो चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो है एडमिशन कंप्लीट हो जाए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी के अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें अगर आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन करवाना है किसी भी बेहतरीन कॉलेज में, और अगर आपको काउंसिलिंग असिस्टेंस चाहिए तो भी आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप काउंसिलिंग असिस्टेंस की फीस है दोस्तों ₹500, जहाँ पर मैं आपके साथ रहूंगा टू द काउंसिलिंग होल प्रोसेस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।